నాకు లేదు. అని పూర్ణ పులే యూత్ యువ అసోసియేషన్ చంద్రన్న గారిని దండతో సన్మానించగలరని కోరుచున్నారు. ప్రోగ్రామ్ యువ యూత్ లా మీ నమర్ విరాది కర్తో అన్న బుద్ధుడు బద్రుగులా నమర్ విరాది కర్తో अजयबदल झालं कोणी नाराज समजू नका. काउन म्हणलं तर सारना टाइम पहिलाच टाइम नाही त्यासाठी. आज आपली जिम्मेदारी काय होती? तेलंगणा आल्या, तेलंगणा लोट टाकले, जिगवून दिले. आपली जिम्मेदारी काय होतं? का तेलंगणा आलं पाहिजे? तेलंगणा याच्यात कोण नाही लढले? आपले पायल शंकर भी लढले होते का? कंपल्सरी तेलंगणा पाहिजे म्हणून हर एक 5 वर्षाच्या मुलापासून तर 50 वर्षाच्या वयापर्यंत पूर्ण तेलंगणा पाहिजे पाहिजे म्हणले होते, देऊन टाकले. त्यानंतर जोगीरामन्नाचा कार्ड आला. कार्ड येता येता पूर्ण येऊन गेले. किती? 4.5 वर्ष होऊन गेले. 4.5 वर्ष होऊन गेले तरी डेव्हलप काहीच नाही. हे आमचा शेड नाही का? 2 वेळ देणं नारळ फोडून गेला पण शेड आलं नाही. खाली नारळाचे रेट वाढून गेले त्यासाठी पण शेड काही आलं नाही. आणि या माणूस अधिकार म्हणजे होता का? नव्हता. तरी मंदिराला टाइल्स दिला. कोणी मागले नाही काही नाही तरी अण्णाले म्हणले एक वेळ आणले. आणि त्यानंतर नाही का मेन डिपू उठवण्याचं कारण म्हणलं तर पायल शंकर अण्णा होते. आज त्यांनी डिपूचं म्हणत नव्हते, आपला डिपू बाहेर जात नव्हता. आज या माणूस आपल्याला पावर न राहिता पण एवढा काम करता, आल्यानंतर कसं राहील ते तुम्ही कंपल्सरी विचार करा. आणि सर्वांच्या दिमागात काय म्हणलं तर KCR आलंतच आपल्याला 2000 पेन्शन येते, 3000 येते, 1000 येते, तसं काही नाही. आज KCR राव येणार, पायल शंकर आहे म्हणलं तर आपल्याला पेन्शन आणून देणं कोण आहे? त्याची जिम्मेदारी होती. आज आपण साधं उदाहरण पाहिलं म्हणलं तर एका बापाला 2 मुलं राहते. आज त्याने काय होते आपल्या भाषेत म्हणलं तर एग्र निघते. एग्र निघते म्हणलं तर 1-10 एकर जमीन पहिलं मोठ्या भावाच्या नावावर राहते. आणि आपलं का पंचायत बसणं म्हणलं तर दोन्ही सेम वाटून देवा. पहिला 10 वर्षानंतर 2 पोराचे एग्र झाले, लग्न झालं. मोठा मुलगा पहिले 1 वर्षाकडे तू शेती पाहून घे, कारभार पाहून घे म्हणते. लहान मुलगा शिकत राहते. आणि मोठा मुलग्याचं काम होऊन गेलं. मोठा मुलगा कोण म्हणलं तर आता जोगुरामनाचं काम सरून गेलं. हे लहान मुलगा आहे. आज इकडे पूर्ण कारभार घेऊन टाकायला आपल्याला पूर्ण कारभार इकडे द्यावं लागते. आपली पंच काय होतं म्हणलं तर दोन्ही पोराले समान हक्क पाहिजे. एक हक्क देऊन टाकले रामानाले तेव्हाच आपण जिकवून आणलेले. आता नंबर हा कोणाचा आहे? पायल शंकरचा नंबर आहे. या वेळेस कंपल्सरी फुल फर्स्ट टू सेकंड थर्ड कितीवर राहू दे, कोणी काय म्हणलं तरी फुल ले टाकायचं आहे म्हणत. एकच बस फुल ले टाकायचं आहे. कार गिर गेले पूर्ण, 4 टायरातून 2 टायर तर गेले. आज तेले काम तर रिपेअर नाही सापडत आहे ना. त्यासाठी सर्वात मोठी समस्या याच्या अगोदर BC लोन तर केवढ्याला आले? कोणाला आले का BC लोन? आले असेल तर हात उठव. BC कॉर्पोरेशन लोन असे फॉर्म घेऊन गेले का? फॉर्मही तिकडेच राहील, अजून काही आले नाही. तर मेन म्हणलं तर नाही का आपल्याला खाली BC कॉर्पोरेशन घेणं पूर्ण येते. त्यासाठी शंकरांना मी एकच विनंती करतो अण्णा, मावरला येते कंपल्सरी 25 मेंबर्स उन्नारो. పేద రైతులు, ఇంకా కౌలు రైతులు, ఆల్రెడీ భూమి ఉన్న వాళ్ళు కాళ్ళదే వస్తున్నాయి పైసలు. కానీ వీళ్ళకు ఒకటి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఒక మనవి మా గ్రామస్తుల నుంచి. కొంత ఆల్రెడీ ఆపల్లే పాప కష్టకర కష్టై లాస్ట్ జలే ఠేక్యాంతరి దేవున్ వాసవల్ పన్ ఆజ్ బగర్ జమీన్ వాలే ఆయ్ తేన కా కరల్ పాప.
त्याने कुठे जाईल? कशा माणसाला कंपल्सरी पाहिलं अण्णा शंकर कंपल्सरी आपल्याला एनी टाइम सपोर्ट राहते तसं ना, तसंच न करता कोणत्याही दवाखान्याचं काम असू द्या, आम्ही एवढं फोन करतो. कोणाले कोण फोन करतो? पाल शंकरच्या पोराले कोण बनियांना आले, पूर्ण एनी टाइम आपल्या सेवेत राहते. आणि तसेच कोणी आपल्या गावावरून बोलते का आपली गावाची समस्या? आज धरणा करून कलेक्टर समोर पोलिसाच्या धक्केखात काम करणारा माणूस म्हणून त्यासाठी इन्शुरन्स आले कंपल्सरी आपल्याला. इन्शुरन्स येण्याचे कारण म्हणलं तर कोण आहे म्हणतो आपण? पाल शंकर कंपल्सरी. आज इन्शुरन्स येण्याचे कारण म्हणलं तर आपल्याला पाल शंकरांना आहे. आज आपण म्हणतो कंपल्सरी मिशन भगीरथ आहे, आपल्याला जरूरत नव्हती एका हिशोबाने पाहतो म्हणलं तर सर्वजण कास्तकार आहे. आज पूर्ण नाही का पूर्ण मिशन भगीरथ लावून दिलेला, नुसतं खोदत आहे, काम चालू आहे, रोड खराब. आज आपण गाव फिराव म्हणलं तर किती साप राहे, आता गाव फिराव म्हणलं तरी वेस्ट होऊन जातो. त्यासाठी कंपल्सरी यावेळेस आपली जिम्मेदारी आहे का, कार ले ओट न टाकता कंपल्सरी फुलाले टाकाव. आपली जिम्मेदारी होती ना कार ले ओट टाकायची, टाकले आपण. आता इथून कंपल्सरी आपली जिम्मेदारी एकच आहे का, फुलाले ओट टाकाव. ओके पायल शंकर साहेब, माझं बोलायचं कारण एवढंच का, जे बेला मंडल मध्ये जेवढे काही युथ आहे मुलं त्यांच्यातर्फे त्यांच्या मनातली भावना मला बोलायचं आहे, त्यांच्याबद्दल मला सांगायचं आहे. आपल्या बेला मंडळमध्ये भरपूर मुलं शिकलेले आहेत, 10वी 12वी काही भरपूर मुलं शिकून बेरोजगार आहे, मला त्यांच्याबद्दल बोलायचं आहे. कारण एवढे सगळे मुलं शिकून तरी काही कामाले नाही, त्यांना काहीतरी काम पाहिजे. जर आज शंकर आहे त्यांच्यासाठी काहीतरी काम, म्हणजे बेला मंडळमध्ये काहीतरी करल किंवा काहीतरी एखादी मिल मध्ये काही कोणता उद्योग लावून देईल, माझी गॅरंटी आहे. हे युथ 5 नाही आणखी 10 वर्ष त्यांना निवडून देईल, हे माझी गॅरंटी आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे का, जर प्रत्येकांच्या घरी 2-2 मुलं 1-1 मुलं आहे, जवान मुलं आहे आमच्यासारखे, ते अजून सुद्धा बाबाने जेवढं येऊन तेवढं काम करू लागते, वावरामध्ये जाते, प्रत्येक काम करते. जर त्यांच्या आवडीचं काम भेटलं तर त्यांना कोणी पैसे द्यायची जरूरत नाही, ते स्वतः कमवतील. बरोबर आहे, त्यांना पैसे कोणी द्यावं लागत नाही, स्वतः काम करून ते सामोर जाते. पण त्यांना काम देणं हे खूप महत्वाचं आहे. मला वाटतंय शंकर साहेब जर निवडून आले तर नक्की आमचं हे जे म्हणणं आहे, मुलांचं काम, मुलांसाठी काहीतरी पाहिजे बा, काम पाहिजे मुलांना, जर ते काम मिळालं बेला मंडल मध्ये तर बेला मंडळातले जेवढे काही मुलं आहे, मला असं वाटतंय का तुम्हाला नेहमी साथ देईल. हे 5 वर्ष नाही आणि येणारे 25 वर्ष यांना निवडून आला. माझ्या मनातली भावना आहे, प्रत्येकाने मुलांचं आहे, कारण प्रत्येकाला हेच प्रॉब्लेम आहे. शिकलेले भरपूर मुलं आहे, 10वी आहे 15वी आहे, शिकून काय करतात? काही नाही, जागा निघत नाही, पोस्ट पण निघत नाही, निघत पैशाची प्रॉब्लेम येते, वेळेवर कोणी मदत करत नाही. जे राहते ते बरोबर लग्नुसार ते ड्युटी लावून घेते आणि बाकीचे काम सर गरीब माणसं गरीब मुलं फिरत राहते गावामध्ये. आणि मला एवढंच म्हणायचं आहे, जर आमच्यासारखे मुलं जर पायल शंकर अण्णांना जर सांभाळ राहू शकते, शंभर बाकी काय सगळे जे आहे आमच्यामध्ये, कारण आम्ही आमच्या आईबाबाला सांगू शकतो, कन्व्हिन्स करू शकतो. जर शंकर साहेब आले आम्हाला कुठतरी कामाला लावते, मग ते नक्की आपल्या आईबाब हे आपल्या मुलाचं काम ऐकते आणि ते सुद्धा शंकर साहेबांना वोट देतील. बरोबर आहे, म्हणून मेन आहे जेवढे काही युथ आहे, नुसतं युथ युथ म्हणून चालत नाही. युथला जर काम मिळालं ना सर, तुम्ही 100% आणखी 25 नाही 30 वर्ष निवडून याची मला गॅरंटी आहे. तुम्ही एमएलए नाही मंत्री बनवू शकता, पण मुलांना काम पाहिजे, मुलांना काम भेटे ना नक्की नक्की नाही गॅरंटी ना तुम्ही आता. म्हणून शंकर साहेब जसं आजपर्यंत जेवढे काही काम केले प्रत्येकाने सांगितलं का, सरांनी हे केलं, सरांनी पाणी दिलं, सरांनी प्रत्येक गोष्ट करत आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सर काम करत आहे. पण मला असं वाटतं का मुलांच्या भविष्यासाठी किंवा मुलांना काहीतरी काम दिलं ना तर मुलं कंपल्सरी तुम्हाला वरच्या पदावर पोहोचवशील. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद जय भारत. आज के इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष मंडल पार्टी अध्यक्ष मुरलीधर ठाकरे जी और मेरे साथ आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इस गांव के बुजुर्ग बड़े लोग देवदास जी, दीनाथ जी, बाबा नाथ जी, तुकाराम जी,
దిగంబర్జీ నామదేవ్జీ చిరుకుడ్జీ సభి జునోరిగే మేరే మా బహనం కో సబ్కో మేరా నమస్కార్ జై గురు సందరికు రామ్ రామ్. దత్తా గుర్నిలతో పూరా బతా దియా కల్ క్యా కర్నా హై ముజే. నితేష్ జీ నే పూరా బతాయా థా 2014 మే క్యా క్యా హువా, తెలంగాణ పార్టీ వాలే ఆకే అప్నే గావ్ మే క్యా బతాయే, ఓట్ లేనే కే లియే కితనా జూట్ బోలే, ఉస్కే బాద్ అప్నే సాథ్ కైసా రహే, 4.5 సాల్ మే పూరా దేఖ్ లియే. ఓర్ ఆజ్ భీ టిఆర్ఎస్ వాలే జూట్ బోల్నే కే లియే పీచే నహీ ఆ రహే. మే దేఖ్ రహా హూం టీవీ మే 15 దిన్ సే యహీ జోగురామన్నా సాహబ్ అభీ భీ బోల్ రహే, మేరకో 3 బార్ ఎంఎల్ఏ జీతా, 1 బార్ మంత్రి భీ బనా హై, ముజే ఔర్ 1 బార్ ఓట్ డాలో, బాకీ కామ్ కర్కే బతాఊంగా. అరే భాయ్, మేరకో యే సమజ్ మే నహీ ఆ రహా, 3 బార్ ఎంఎల్ఏ రహ్ గయా, 1 బార్ మంత్రి భీ బన్ గయా, బాకీ తో కుచ్ బచా నహీ, ఔర్ తేరకో ఓట్ డాల్ కే క్యా మత్లబ్ హోతా. ఖాస్ కర్కే యే గావ్ వాలోన్ కో తో ఇత్నా ధోకా దియే, యహాన్ కే మాలి సంఘం వాలోనే జోగు రామన్నా సాహబ్ ఇత్నా ధోకా దియే, ఉన్నోనే ఖుద్ ఆకే మేరే సే బాత్ కరే తో మే హార్నే కే బాద్ భీ అసెంబ్లీ మే అప్నే భారతీయ జనతా పార్టీ కే తరఫ్ సే టీవీ మే అప్నే లోగ్ దేఖ్ రహే థే ఉస్ దిన్ మేరే ఘర్ సే మైనే బాత్ కియా హైదరాబాద్, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాలే నే ఐసా బాత్ కర్కే వాదా కర్కే ధోకా దియా, ఏక్ బార్ ఇన్కా ఇష్యూ అసెంబ్లీ మే ఉఠానా హై తో వహాన్ కే అప్నే బీజేపీ కే నేతా నే అసెంబ్లీ మే బాత్ కరే థే. మాలీ కే లోగోన్ కే లియే టీఆర్ఎస్ వాలే నే ధోకా దియా, ఔర్ జునోనీ గావ్ వాలోన్ కే లియే యహాన్ కా అభీ జో ముజే డప్లోన్ సే ఔర్ పుల్ హార్ డాల్ కే జో నయా కాలనీ సే చల్తే ఆయే, మే బర్సాత్ మే ఓ వహాన్ పే దేఖా థా, వహాన్ పే చల్ నహీ సక్తే థే, బర్సాత్ మే వహాన్ పే ఘర్ పే రహనా ముష్కిల్, పూరా కాలనీ మే చిక్కడీ చిక్కడ్. అరే లోగ్ తో బోల్ రహే థే తెలంగాణ ఆనే సే పహలే క్యా క్యా వాదా కియే థే, తెలంగాణ ఆనే కే బాద్ అప్న్ భీ సమ్జే బాకీ సబ్ కుచ్ కామ్ టీక్ హో జాయేగా. ధోకా తో అప్నే కు తో దియే దియే, టీఆర్ఎస్ వాలోన్ కు భీ టీఆర్ఎస్ వాలో నే ధోకా దియా. కుచ్ బాతే నహీ మాలూమ్ ఆప్ లోగోన్ కు, టీఆర్ఎస్ వాలో నే కుచ్ బాహర్ ఆనే వాలే థే తో ఉన్కో కైసే ఫసా కే రఖ్ దియా మాలూమ్ హై, యహాన్ కే బేలా మండల్ కే టీఆర్ఎస్ కే లీడరోన్ కు. యహీ జోగు రామన్నా సాహబ్, యహీ ఆప్కే మండల్ కా ఏక్ కాంట్రాక్టర్ ఏ గుత్తేదార్ హై, మాలూమ్ హై ఉన్కా నామ్, ఏ గుత్తేదార్ హై యహాన్ కా, వో లీడర్ కే రూప్ మే ఘుమ్తా హై మగర్ వో వాస్తవికతా మే వో గుత్తేదార్ హై. తో ఉన్హోనే బేలా మండల్ కో ఇత్నా నుక్సాన్ కియా, ఖుద్ కే ఫాయిదే కే లియే జహాన్ పే ఉస్కో పైసా ఖానే కే లియే మిల్తే హై ఉసీ మే ఉన్కా నజర్ లగా హువా థా, మగర్ గరీబోన్ కు మదద్ కర్నే మే లియే ఆజ్ తక్ కోయి కామ్యాబీ నహీ హుయీ ఇన్కీ. తో అభీ దత్తా నే బతాయా యహాన్ కే జో 12వీ డిగ్రీ పీజీ జో బచ్చే కర్కే హై ఉన్కే లియే నౌకరీ హోనా, మేరా తో సోచనా వహీ హై. బేలా మండల్ మే 12వీ ఔర్ డిగ్రీ పీజీ కరే సో 5000 బచ్చే హై యహాన్ పే, మై బేలా మండల్ కే అందర్ దో బడే ఫ్యాక్టరీ లానా చా రహా హూం, దో బడే ఫ్యాక్టరీ లాకే యహాన్ సే కమ్ సే కమ్ 2 సే 3 హజార్ బచ్చోన్ కు నౌకరీ దిలానే కా మేరే తరఫ్ సే కోషిష్ రహేగా, ఔర్ ఐసా కోయి ఖేత్ నహీ బచేగా జిస్ ఖేత్ మే నా బోరింగ్ హై నా మోటర్ హై, హర్ ఖేత్ మే సర్కార్ కే తరఫ్ సే బోరింగ్ ఔర్ మోటర్ ఫ్రీ దలానే కా కామ్ మే ఆగే కర్నే వాలా హూం. 4.5 సాల్ జబ్ మినిస్టర్ బన్కే ఘుమ్ రహే థే రోడోన్ కే ఉప్పర్ కోయి దిఖే నహీ ఉన్కో, ఐనే చడా లేకే సామ్నే 3 పోలీస్ కీ గాడ్యా, పీచే 3 పోలీస్ కీ గాడ్యా, ఆజూ భీ పోలీస్ బాజూ భీ పోలీస్, కోయి జాకే నమస్తే కరే తో భీ దేఖ్నే కే లియే తయార్ నహీ థే. మగర్ ఆజ్ మాలూమ్ పడ్ రహా హై హర్ ఘర్ మే ఘుస్ కే బోల్ రహే హమారే సే గల్తీ హో గయా ఔర్ 1 బార్ ఓట్ డాలో. లోగ్ ఇత్నే యే నహీ హై, తుమ్ 4.5 సాల్ క్యా కైసే థే, లోగోన్ కే సాథ్ కితనా అన్యాయ కియే, లోగ్ పూరా తుమ్హారే ఉన్కే ఆంఖోన్ సే తుమ్హారే కో దేఖే,
और दूसरा और एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो तो कभी जनरल टाइम पे दिखते नहीं। वो लोग जब भी इलेक्शन आएंगे तभी अपने गांव में आएंगे। और सभी जिन्होंने गांव वालों से मेरा विनंती है, ये पायल शंकर को बाहर का आदमी मत समझो, ये पायल शंकर तुम्हारा एक फैमिली मेंबर समझो, तुम्हारा एक घर का आदमी समझो। गरीबी क्या चीज है मुझे मालूम है, तकलीफ क्या चीज है मुझे मालूम है, और उस तकलीफ लोगों से दूर करना चाहता हूं। गरीब कोई परेशान नहीं रहना, वैसा समाज बनाना चाह रहा हूं मैं। दूसरे लोगों के जैसा राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं हूं। अगर मुझे पैसे ही कमाना है, डेली 5 लाख रुपए का मेरे को इनकम रहता था बिजनेस में, महीना 1.5 करोड़ रुपए, साल को 18 करोड़ रुपए। ये 5 साल के अंदर मैं आप लोगों के जो बीच में घुमाना, 70 करोड़ रुपए बाजू रख के मैं तुम्हारे साथ आज घूमते 4.5 साल तुम्हारे तकलीफ में आया हूं। एक आदिलाबाद को अच्छा बनाना है। आदिलाबाद में कम से कम 10 से 15 हजार बच्चे आज खाली है, ना उन्हें दूसरा कोई खेत कर सक रहे, ना उन्हें ना कोई खेत के काम को जा सकते। देखने के लिए 12वीं और डिग्री पीजी पढ़े, करने के लिए कोई काम नहीं है। वैसा लोगों के लिए मेरा एक सोच है। और यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के बीसी लोग, जोग रामन्ना के लोग आते थे, जोग रामन्ना का लोग आते थे 3 महीने पहले, यही जिन्होंने गांव वालों को बोले भाई तुम्हारा बीसी कारपोरेशन में चेक लिख के तैयार है, तुम कहीं जाना नहीं, हम चेक बांटने वाले हैं, बोल के बताए। तो इस जिन्होंने गांव मन से जोग रामन्ना को और टीआरएस वालों को पूछना चाहता हूं, कहां चले गए तुम्हारा लिखा हुआ चेक, कहां चले गया तुम्हारा बांटने का पैसा। ये झूठे वादे करके 4.5 साल पूरा निभाए। और ये बेला मंडल में कोयले के खदाने, आज तक ये कोयले के ऊपर किसी का नजर गिरा नहीं। जैसा महाराष्ट्र में कोयले का खदान है, उधर मंचिराल में कोयले का खदान है। कल मैं एमएलए जीतने के बाद यहाँ 3 से 4 कोयले का खदान खुलाऊंगा और उस खदान में सबको नौकरी दिलाने का कोशिश करूंगा। December 7 के दिन इलेक्शन है और उस दिन भूल जाएंगे कहीं, बेचारा पायल शंकर बहुत अच्छा है, हारा तो भी काम करता, उसको जिताने का जरूरत नहीं समझेंगे कहीं। मेरे पास भी ताकत नहीं है, 2 बार हार के मैं तुम्हारे बीच में खड़ा होकर काम करते आया हूं। अरे अभी तक कितने की लोगों को वोट डाल के जिताते आए, एक बार तुम पायल शंकर को वोट डाल के जिताओ और उनमें मेरे में कितना फर्क है बताऊंगा। और आगे चल के दिल्ली से इतने फंड्स लाऊंगा, जो बैकवर्ड बेला मंडल है, इस बेला मंडल को इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे बढ़ाने के लिए मेरा तरफ से कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, कल बीजेपी का सरकार तेलंगाना में बन रही, उसमें कोई किसी को शक जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बनने के बाद सारा किसानों का 2 लाख कर्जा माफ करने का भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और मेरे ड्वाकरा महिला, मेरे बहनों ने बहुत परेशान है, अभी तक जो ड्वाकरा लोन उठाए, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिली नहीं, ना ब्याज का मदद मिली नहीं। तो ड्वाकरा महिलाओं के लिए मैंने सोचा था, ड्वाकरा महिला जितने भी कर्जा आए बैंक को, कल बीजेपी का सरकार बनने के बाद ड्वाकरा महिलाओं का कर्जा भी माफ करने के लिए कल के दिन मैं कोशिश करूंगा। और आज डपले और फूल से मुझे जुनोनी गांव में जो स्वागत करे, उसके लिए मैं मेरे और जिले भाजपा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरे तरफ से धन्यवाद बात बोलते हुए समाप्त करता हूं। फिर जीतने के बाद यहीं आके मीटिंग लगाना है, आपके जुनोनी के गांव को, आपके लोगों को क्या क्या होना है, पूरे ऑफिसरों को लेके आऊंगा। आज उस तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर बैठे, कल जीतने के बाद पूरे ऑफिसर वहां पे बैठ के रहेंगे। वो ऑफिसरों से सीधा सीधा तुम पूछने का मैं मौका दूंगा तुम्हारे को, तुम्हारे गांव को जो जो डेवलपमेंट होना, जीतने के बाद मैं ये जुनोनी गांव को आऊंगा। और ये जुनोनी गांव मेरा खुद का गांव को मैं जितना समझता हूँ, उससे ज्यादा ये जुनोनी गांव को मैं समझूंगा। और एक बार सबको धन्यवाद बात बोलते हुए समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। Yeah! 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 Ye
బీజేపీ పార్టీ ఆడుతాయి.
और आगे चल के